दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन वेजिटेबल। हम अपनी डेली लाइफ में जिन हरी सब्जियों का यूज करते हैं, आज की वीडियो में आप जानोगे आखिर उन हरी सब्जियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है फूल गोभी। जो व्हाइट फूल वाली गोभी होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट है पत्ता गोभी या बंद गोभी। पत्ता गोभी या बंद गोभी को इंग्लिश में बोलते हैं कैबेज, कैबेज। नेक्स्ट है भिंडी। भिंडी के लिए इंग्लिश में वर्ड है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। नेक्स्ट है लौकी। लौकी के लिए इंग्लिश में वर्ड है बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड। नेक्स्ट है पालक। हरी भरी पालक को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनेच, स्पिनेच। नेक्स्ट है चुकंदर। इसे खाते रहने से बॉडी में तेजी से खून बनता है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बीट रूट, बीट रूट। नेक्स्ट है शकरकंद। शकरकंद को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है हरा धनिया। पत्तेदार हरे धनिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरिएंडर लीफ, कॉरिएंडर लीफ। नेक्स्ट है हरी मिर्च। खाने को तीखा बनाने वाली हरी मिर्च को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन पेपर, ग्रीन पेपर। नेक्स्ट है भथुआ। हरे भरे भथुए को इंग्लिश में बोलते हैं वाइट गोस फूट, वाइट गोस फूट। नेक्स्ट है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैप्सिकम, कैप्सिकम। नेक्स्ट है तोरई। तोरई के लिए इंग्लिश में वर्ड है रिज्ड गार्ड, रिज्ड गार्ड। नेक्स्ट है हरा सोया, जिसे हम आलू में मिक्स करके बनाते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिल, डिल। नेक्स्ट है करौंदा। इसका टेस्ट खाने में खट्टा होता है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेटल प्लम, नेटल प्लम। नेक्स्ट है मटर। हरे भरे मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पी, पी। नेक्स्ट है खीरा, जिसका यूज हम सैलेड बनाने के लिए करते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कुकम्बर, कुकम्बर। नेक्स्ट है पुदीना। हरे भरे और ठंडे पुदीने को इंग्लिश में बोलते हैं पिपरमिंट, पिपरमिंट। नेक्स्ट है करी पत्ता। इसका यूज हम करी को बनाने में करते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं करी लीव्स, करी लीव्स। नेक्स्ट है मेथी। मेथी को इंग्लिश में बोलते हैं फेन्युग्रीक लीव्स, फेन्युग्रीक लीव्स। नेक्स्ट है प्याज का साग। हरे भरे प्याज के साग को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग ओनियन, स्प्रिंग ओनियन। नेक्स्ट है अदरक। अदरक को इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर, जिंजर। नेक्स्ट है कटहल। कटहल को इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट, जैक फ्रूट। नेक्स्ट है मूली। मूली को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडिश, रेडिश। नेक्स्ट है गाजर। गाजर के लिए इंग्लिश में वर्ड है कैरेट, कैरेट। नेक्स्ट है लहसुन। लहसुन को हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक, गार्लिक। नेक्स्ट है नींबू। नींबू को इंग्लिश में बोलते हैं लेमन, लेमन। नेक्स्ट है शलजम। शलजम के लिए इंग्लिश में वर्ड है टर्निप, टर्निप। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।